फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंडर स्टडी में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम जैसे बैंक, रेलवे, SSC आदि में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? फर्स्ट ऑप्शन है थायमिन, सेकंड ऑप्शन है रेटिनॉल, थर्ड ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन है टॉकेफेरॉल। तो इसमें से आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका सही ऑप्शन आपको बता देता हूँ। विटामिन ए का सही रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और अदर ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है थायमिन, जो कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है, और रेटिनॉल के बारे में मैंने आपको बताई दिया, ये विटामिन ए का है। सी ऑप्शन जो है एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का केमिकल नेम है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है टॉकेफेरॉल, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर है रेटिनॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत ऊर्जा की सबसे अच्छी सुचालक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है चांदी, सोना, तांबा या जस्ता। तो इसका सही जवाब है चांदी। सही जवाब है इसका चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर निगाह मार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्टर क्वान्टिटी? तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वेग, सेकेंड ऑप्शन है विस्थापन, थर्ड ऑप्शन है संवेग एंड फोर्थ ऑप्शन है द्रव्यमान। तो इसमें सही आंसर है द्रव्यमान, सही आंसर है मास। ये एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, वो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये इसके चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता और चाल। तो इसमें आपको सही आंसर टिक करना है और इसका सही जवाब दें। तो इसका चलिए मैं सही जवाब बता देता हूँ आपको। इसका सही जवाब है दूरी। इसका सही जवाब है दूरी। ऐसा नहीं है यहाँ पर प्रकाश वर्ष दिया हुआ है तो ये प्रकाश वर्ष समय का मात्रक जैसा लग रहा है, वर्ष तो समय होता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन जानबूझकर एग्ज़ाम में डाले जाते हैं। तो इसका सही मात्रक है प्रकाश वर्ष जिसका मात्रक है वो क्वांटिटी है दूरी, समय का नहीं है, ना ही ये प्रकाश की तीव्रता का है। प्रकाश की तीव्रता का एक मात्रक होता है जिसे बोलते हैं कैंडिला। अगर CD से डिनोट करते हैं इसे कैंडिला। और चाल का मात्रक आप जानते ही हैं, चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो है, धान के खेतों के पास कौन सी गैस पाई जाती है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज फाउंड नियर द पैडी फील्ड्स? धान के खेतों के पास कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट गैस है वो है मीथेन गैस। व्हाट इज द राइट आंसर? मीथेन गैस। इसका सही फॉर्मूला होता है CH4। तो ये आपका सही जवाब है मीथेन गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिखा मार लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? विच वन ऑफ द कलर हैज़ लॉन्गेस्ट वेव लेंथ? निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लाल, पीला, नारंगी और बैंगनी। तो आप जानते हैं रेड कलर की जो वेव लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। आपने प्रिज्म लाइट वाले चैप्टर में देखा होगा, प्रिज्म जो होता है उसमें से जो इस तरह से प्रिज्म होता है अपना, जब सनलाइट से जो है वाइट रे जब इस पर टकराती है तो सनलाइट की जो वाइट रे होती है वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर, GYOR। तो जो R होता है वो सबसे ऊपर होता है और R यानी कि लाल कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर निगाह मार लेते हैं। पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जैसे चिप्स वगैरह के जो खाद पैकेट्स आते हैं बाजार में, जिन्हें हम परचेज़ करके काफ़ी चाव से खाते हैं, तो उन चिप्स के पैकेट्स में कुछ गैस फिल होती है, आप कहते हैं ना जैसे हवा भरी होती है,
तो उन पैकेट्स में एक गैस भरी होती है, तो वो कौन सी होती है? आपको जहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ पर नहीं फिल होती है, ओके। ऑक्सीजेशन, अगर ऑक्सीजन को फिल कर देंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो चिप्स आई थिंक एक दिन भी नहीं चल पाएंगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, हाँ यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन इज़ फिल्ड इन चिप्स पैकेट्स, नाइट्रोजन को फिल किया जाता है चिप्स पैकेट्स में। हाइड्रोजन और हीलियम का, हीलियम हाइड्रोजन हीलियम हवा से हल्की गैसें हैं जो बलून्स वगैरह में, पैरासूट वगैरह में फिल की जाने वाली गैसें हैं। तो इस ऑप्शन का सही आंसर है नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड पूछी है, और इसके आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थायराइड, सेकंड ऑप्शन है थैलेमस, थर्ड ऑप्शन है यकृत एंड फोर्थ ऑप्शन है पैनक्रियाज। इसमें आपको सही आंसर टिक करना है। तो देखिए चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है उसका सही जवाब है यकृत, जिसे हम लीवर के नाम से भी जानते हैं। अब और अदर ऑप्शंस पे भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। देखिए ये जो थायराइड ग्लैंड है फर्स्ट, ये आपकी थ्रोट गले में होती है। उसके बाद जो थैलेमस ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड होती है ये ब्रेन में होती है, और जो आपका लीवर होता है आप जानते हैं यकृत जिसे कहते हैं, ये आपके एब्डोमिनल पार्ट में होता है स्टमक के साइड में। और जो फोर्थ ऑप्शन है पैनक्रियाज, जिसे इसे हम बेसिकली अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो ये सारी ग्लैंड्स में सबसे जो बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत अर्थात लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि जो ग्लैंड्स होती हैं उनसे कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जिन्हें हम बेसिकली हार्मोन्स या एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें हार्मोन का नाम दिया हुआ है आपको, और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए, बिकॉज इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एट्सेट्रा को ये डाइजेस्ट करता है, और अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो शुगर या डायबिटीज़ ऐसी बीमारी हमारी बॉडी में आ जाती हैं। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, किस ग्रंथि से सीक्रेट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, इसे बेसिकली हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसे हम एग्ज़ाम में इस पर भी कई बार क्वेश्चंस आता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसका सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तो इसको ये इससे इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि जो है उसे किस और नाम से जाना जाता है, तो आप जानते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अग्नाशय, जिसे हम इंग्लिश में पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। तो इट इज़ अ राइट आंसर, पैनक्रियाज और अग्नाशय इज़ अ राइट आंसर, इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। और थर्ड ऑप्शन जो पित्ताशय, जिसे हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं, जिसमें कभी कभी स्टोन हो जाती है जिसे हम सर्जरी के थ्रू बाहर निकालते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है अश्रु ग्रंथि, तो अश्रु ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। तो इस इंसुलिन हार्मोन के बारे में क्वेश्चन था, और बेसिकली इसका आंसर जो है वो है अग्नाशय, अग्नाशय से आप याद रखें इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें ही फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है आपका एनाटॉमी, सेकंड ऑप्शन है ऑर्थोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है साइटोलॉजी एंड फोर्थ ऑप्शन है माइकोलॉजी। चलिए मैं ये करके पहले आपको सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही कोशिका के अध्ययन को सही आंसर जो है वो है साइटोलॉजी, क्या कहते हैं साइटोलॉजी। अगर हम एनाटॉमी की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है एनाटॉमी, इसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद जो बी ऑप्शन है ऑर्थोलॉजी, इसमें बेसिकली हड्डी वगैरह के बारे में अध्ययन किया जाता है, ऑर्थो से संबंधित है हड्डियों से। और जो साइटोलॉजी तो मैंने आपको बता ही दिया, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है माइकोलॉजी, ये जो माइकोलॉजी वर्ड है ये माइकोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली फंजाई यानी जिसे फफूंद कहते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके चार ऑप्शन थे जिसमें सही जवाब है आपका साइटोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिरका में कौन सा एसिड होता है,
विच एसिड इज फाउंड इन सिरका, विनेगर। सिरका को इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, आपने देखा होगा कभी अचार वगैरह में यूज़ किया जाता है सिरका, कॉमनली किचन में यूज़ होने वाला मटेरियल है। तो सिरका में कौन सा एसिड, मोस्टली कौन सा एसिड होता है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका सही जवाब बता देता हूँ। सिरका में बेसिकली एसिटिक एसिड होता है, ये आपको याद रखना है, एसिटिक एसिड सिरका में होता है। बाकी अगर हम अदर एसिड्स की बात करें, जैसे फॉर्मिक एसिड है, तो ये फॉर्मिक एसिड जो होता है, ये आपका एक फॉर्मिका नाम की चींटी होती है, उसमें पाए जाने वाला एसिड है फॉर्मिक एसिड। उसके बाद जो ऑक्जेलिक एसिड है, ये आपका बेसिकली टमाटर या पालक वगैरह में भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड जो है, ये बेसिकली इमली या टार्ट्री जो आती है उसके अंदर पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। तो इस सिरका में जो पाया जाता है बेसिकली वो है एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जिसे हम ब्रास कहते हैं, और आपको इसमें सही आंसर बताना है, ब्रास में कौन कौन सी धातु। ब्रास एक कोई मेटल नहीं है, ये दो मेटल का मिक्सचर होता है, और इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से मेटल इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सही जवाब है, मैं पहले आपको सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही जवाब है कॉपर और जस्ता, यानी कॉपर व जस्ता, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। और देखिए कॉपर, और सेकंड ऑप्शन है कॉपर और टिन, यानी तांबा और टिन मिलाकर के जो धातु बनाई जाती है वो एक धातु है, जिसे हम इंग्लिश में ब्रॉन्ज और हिंदी में कांसा कहते हैं। ये जो है इसको कहते हैं कांसा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और ये अन्य जो धातुएं हैं, जैसे कि तांबा व लोहा मिलाकर के बेसिकली कोई खास धातु नहीं बनाई जाती, तांबा व एल्यूमिनियम मिलाकर के एक धातु बनाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं रॉलेट गोल्ड, जिसके हम आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाते हैं। तो इसको भी आप याद रखें, तांबा व एल्यूमिनियम मिला करके जो धातु बनाई जाती है उसका नाम है रॉलेट गोल्ड। क्या नाम है? रॉलेट गोल्ड, ठीक है, रॉ लेड गोल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एक्स किरणों की, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द एक्सरेज, किस साइंटिस्ट ने की थी, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सीवी रमन, सेकंड ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, थर्ड ऑप्शन है रंजन, सॉरी ये रंजन नहीं है, ये सही नाम है इसका रोंजन, और यही इसका करेक्ट आंसर है। एक्स किरणों की जो खोज की थी वो सर विलियम रोंजन ने की थी। तो इसका आप सही जवाब दे सकते हैं रोंजन। और फर्स्ट ऑप्शन जो, और दर ऑप्शन पे अगर हम निगाह डालें तो सीवी रमन जो है, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, सीवी रमन जो एक वैज्ञानिक थे हमारे देश के ही, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट रहे हैं, और जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। बाकी एक्स किरणें जो बड़ी ही हार्मफुल रेज होती हैं उनकी खोज की थी सर विलियम रोंजन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क? इसके आपको फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन फर्स्ट थर्मामीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर एंड ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर। आपको इसका सही जवाब देना है, तो इसका मैं पहले आपको सही जवाब दे देता हूँ, और आप वीडियो को पॉज करके भी इसका करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर। चलिए इसके बाद मैं बारी बारी से एक एक ऑप्शन को क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है थर्मामीटर, थर्मामीटर थर्मामीटर आप जानते हैं, थर्मामीटर का यूज़ हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए करते हैं। उसके बाद लैक्टोमीटर को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद सी ऑप्शन है मैनोमीटर, मैनोमीटर विच इज़ यूज फॉर मेजर द प्रेशर, मैनोमीटर का यूज़ दाब मापी के तौर पर किया जाता है। अब देखिए जो लास्ट ऑप्शन है वो है हाइड्रोमीटर। देखिए इससे एक मिलता जुलता टर्म और आता है हाइग्रोमीटर, तो एग्जामिनर जानबूझ करके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस डालता है, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर, बस डा की जगह पर गा अक्षर का यूज़ कर दिया जाता है, और दोनों ही इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं। देखिए हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर का जो यूज़ किया जाता है वो रिलेटिव डेंसिटी, लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए किया जाता है, जबकि जो हाइग्रोमीटर होता है उसका यूज़ ह्यूमिडिटी को मेज़र, आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब है अमीटर। और बारी बारी से मैं एक एक क्वेश्चन एक एक ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये भी इससे भी हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो आम तौर पे यूज़ किया जाता है, वो हम अमीटर का यूज़ करते हैं करंट को मेज़र करने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो गैल्वेनोमीटर हमें करंट की डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण और दिशा दोनों बताता है हमें गैल्वेनोमीटर, जबकि अमीटर केवल हमें मैग्नीट्यूड बताता है। वोल्ट मीटर, सेकेंड ऑप्शन जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का यूज़ पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। अमीटर को मैं एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ। और प्रतिरोध मापी का यूज़ प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आपको फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको एक सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या कौन सा ऐसा इनमें से जो ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ हम यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए करते हैं। तो चलिए पहले मैं इसका सही जवाब देता हूँ। इसका सही आंसर है डायनेमो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है, साइकिल सवार साइकिल को मोड़ते समय मोड़ की ओर झुक जाता है, क्यों? तो इसके भी आपको फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बी ऑप्शन है घर्षण बल के कारण, सी ऑप्शन है अपकेंद्र बल के कारण, और लास्ट एंड डी ऑप्शन है अपकेंद्र बल के कारण। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है अपकेंद्र बल के कारण। अपकेंद्र बल के कारण साइकिल सवार साइकिल को मोड़ते समय मोड़ की ओर झुक जाता है। ठीक है, इसमें बाकी सब भी आंसर गलत हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? अब देखिए, कलर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स, यानी प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। तो कुछ फिक्स कलर्स होते हैं जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, और वो कलर्स के नेम अगर मैं आपको बात करूँ तो एक होता है, देखिए ये नीला, सॉरी नीला, हरा और लाल, ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं। कैसे हैं? प्राइमरी। जबकि जो येलो कलर है वो आपका सेकेंडरी कलर है। वो इन दो कलर्स को मिला करके बनाया जाता है, इन प्राइमरी कलर्स को मिला करके बनाया जाता है पीला कलर। तो इसका सही आंसर है येलो। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस कॉनकेव लेंस जो होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनती है वो कैसी होती है? तो अवतल लेंस हमेशा याद रखिए, अवतल लेंस जब द्वारा जब भी कोई इमेज बनेगी वो हमेशा आभासी एवं सीधी बनेगी, यानी इसका सही आंसर है आभासी यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? देखिए, इसमें आपको फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, पराबैंगनी किरण है, बी ऑप्शन है अवरक्त किरण है, सी ऑप्शन है अल्फा किरण है, एंड डी ऑप्शन है एक्स किरण है। तो अगर हम बारी बारी से इनके बारे में समझें तो देखिए, पराबैंगनी किरण है जिन्हें हम बेसिकली अल्ट्रा वॉलेट रेज के नाम से भी जानते हैं, और आप जानते हैं ये अल्ट्रा वॉलेट रेज इससे बचने के लिए हमारी अर्थ की चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो उन हार्मफुल रेज, ये काफ़ी हार्मफुल रेज होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें हम शॉर्ट में यूवी रेज के नाम से भी जानते हैं, और ओजोन लेयर जो है वो हमें इन इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज हैं, और दूसरी हैं अवरक्त किरणें जिन्हें हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं, तीसरी हैं अल्फा किरणें, और चौथी है एक्स किरणें। तो इनमें से जो चुंबक विद्युत चुंबकीय नहीं है वो, उसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ। तो इनमें अल्फा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी सब आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। चलिए, ये बेसिकली वीडियो मैं साइंस के ऊपर मैंने बनाया था। साइंस में जो कंपटीशन एग्जाम है, बैंक, रेलवे, एसएससी में पूछे हुए काफ़ी फ्रीक्वेंस टाइम्स पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। और मेरा प्रयास यही था कि मैं इसमें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूं। फिर भी अगर कोई मुझसे इसमें भूल चुक हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।